निर्भया गैंगरेप मामले में केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को जारी किया नोटिस, अब गुरुवार को होगी सुनवाई। सीतापुर में बीच बाजार वैन में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बाजार में मची अफरा तफरी। लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर बवाल मामले में नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सिटी मजिस्ट्रेट उमाशंकर की पत्नी और बेटे पर भी केस दर्ज, केजीएमयू के चीफ प्रॉक्टर ने दर्ज कराई एफआईआर। पीलीभीत में शरारती तत्वों का हंगामा, धार्मिक स्थल पर निर्माण को लेकर तनातनी, दोनों पक्षों के बीच आपसी तनाव का माहौल, प्रशासन के आदेश पर 6 लोग गिरफ्तार। बरेली में कैदियों की मौत से हड़कंप, 2 दिनों में 4 कैदियों की मौत, प्रशासन बता रहा है प्राकृतिक मौत, डीएम ने कहा बीमारी के चलते कैदियों की मौत। मऊ के अरबपति डॉक्टर की मौत के बाद 3 बीवियों के बीच लड़ाई शुरू, प्रॉपर्टी पाने के लिए एक पत्नी ने बुरका नशी महिलाओं के साथ जमकर की तोड़फोड़। उधम सिंह नगर में गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे क्रॉसिंग पर खराब, लालकुआं से बरेली जा रही ट्रेन ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बहुत बड़ा हादसा। रुद्रप्रयाग स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर अनदेखी का शिकार, मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नहीं है जरूरी सुविधाएं, टॉयलेट तक का इंतजाम नहीं। होली में स्कीइंग चैंपियनशिप का समापन, प्रतियोगिता के आखिरी दिन सेना के जवान ने दिखाया हुनर, 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल किए अपने नाम। और 24-25 फरवरी को भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आगरा में ताजमहल का कर सकते हैं दीदार, संभावित आगरा दौरे को लेकर अलर्ट पर एजेंसियां। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया, ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दी बधाई, कहा दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। आई लव यू कहकर केजरीवाल ने किया दिल्ली का धन्यवाद, चुनाव जीतकर हनुमान मंदिर पहुंचे केजरीवाल, कहा दिल्ली की जनता ने कर दिया कमाल। चुनाव में करारी हार पर बोले दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, हार हो या जीत जिम्मेदारी लेने को हूं तैयार, कहा हार पर करेंगे मंथन, जनता के फैसले को किया स्वीकार। दिल्ली के नतीजों पर कांग्रेस ने कहा विज्ञापन की बदौलत जीते केजरीवाल, बीजेपी की हार पर जताई खुशी, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा बीजेपी के जरिए प्रचार को दिल्ली की जनता ने हरा दिया, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बताया कांग्रेस की हार की वजह। शाहीन बाग वाली ओखला सीट पर आपको मिली चुनाव की सबसे बड़ी जीत, आप विधायक अमानतुल्ला ने बनाया रिकॉर्ड, 77,000 से ज्यादा वोटों से हासिल की जीत, बीजेपी उम्मीदवार को मिले सिर्फ 14,543 वोट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सुनामी, लगातार दूसरी बार आपका स्कोर 60 के पार, 10 से कम सीटों पर सिमटी भाजपा, लगातार दूसरी बार खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस, आप सांसद संजय सिंह बोले ये चुनाव अरविंद केजरीवाल वर्सेस ऑल था। दिल्ली चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत से उत्साहित गोपाल राय का बयान, बोले जो दिल्ली में हो सकता है उसका विस्तार पूरे देश में भी संभव, कहा पूरा देश चाहता है बदलाव। बीजेपी की हार पर बोली ममता बनर्जी, बंगाल में भी इसी तरह के नतीजों का सामना करना पड़ेगा, ममता का दावा, कहा जल्दी ही बीजेपी अपने नियंत्रण वाले सभी राज्य खो देगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों से शरद पवार को केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन की उम्मीद, बीजेपी को बताया आपदा, एनसीपी चीफ शरद पवार ने केजरीवाल के काम की जमकर की तारीफ, जीत के लिए दी बधाई। रूस में वायुसेना के 4 पायलट्स की ट्रेनिंग शुरू, 1 साल के प्रशिक्षण के बाद अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे 3 सदस्य, रूस के यूरी गागरिन स्टेट ट्रेनिंग सेंटर में स्पेस मिशन की बारीकियां सीख रहे हैं भारतीय पायलट्स, मानव मिशन से पहले इसरो दिसंबर 2020 में ह्यूमनॉइड व्योम मित्रा को भेजेगा अंतरिक्ष। चीन को कोरोना वायरस के कहर से नहीं मिल पा रहा है छुटकारा, कोरोना से अब तक चीन में 1016 की मौत की हुई आधिकारिक पुष्टि, 42,000 से ज्यादा अब भी वायरस की चपेट में। विजय माल्या के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील पर लंदन हाईकोर्ट में सुनवाई, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिसंबर 2018 में प्रत्यर्पण कर दिया था आदेश, माल्या पर भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के हैं आरोप। आम आदमी को राहत, 6ठे दिन भी कम हुए पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम में 17 पैसे और डीजल में 22 पैसे प्रति लीटर तक की हुई कटौती, राजधानी दिल्ली में 71.94 रुपए हुए 1 लीटर पेट्रोल के दाम, 64.87 रुपए प्रति लीटर पहुंचा डीजल।
सोने की कीमत में आई गिरावट, चांदी भी टूटी। मंगलवार को 112 रुपए की गिरावट के साथ 41,269 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। चांदी में 108 रुपए की हुई गिरावट, 47,152 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के दाम। मंगलवार को फायदे में रहा शेयर बाजार। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 465 अंक चढ़कर 41,444 तक पहुंचा। दिल्ली चुनाव के नतीजों से मिली बढ़त, 237 अंकों की बढ़त के साथ 41,216 पर बंद हुआ सेंसेक्स।